खोलिबो कि पुरी श्रीमंदिर खोलिबा नै प्रशासन निष्पत्ति नै परिबो बोली कहिछि राज्य सरकार। तेबे आसंता 4 तारिख रे श्रीमंदिर खोलिबा नै मुख्य प्रशासकक अध्यक्षतार एक बैठक बसिबाकु जाउछि। एथिरे जिलापाल, एसपी, कोविड समन्वय कमिटीर सेवायत प्रतिनिधि माने उपस्थित रहिबे। तेबे श्रीमंदिर खोलिबा उपरे किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आसी पारे बोली सूचना मिलुछि। आलोक आशुतोष आम पुरी प्रतिनिधि अच्छा सीधासल नहीं चलुचु। आलोक, जितेबाला जिलापाल दायित्व दि जाए धार्मिक स्थल खोला जीवना ना से नहीं निष्पत्ति श्रीमंदिर उपर राज्यवासी नजर, कारण रत्न सिंहासन उपर एपर्यंत भक्त मैंने देखा वंचित हो दीर्घ मस श्रीमंदिर खोलना ना ताही बड़ प्रश्न बर्तमान श्रद्धालु भितर। निहाती भाव में अपूर्व रंजन, आप जानते अगस्ट मसपाई आंशिक लॉकडाउन घोषणा कर राज्य सरकार एवं जो जिले में पूरी जिला जेहेतु रही आंशिक लॉकडाउन प्रक्रिया में सामिल रही से विभिन्न धर्मानुष्ठान गुड़ी को जिला प्रशासन हाथ में न्यस्त देते राज्य सरकार। से परिप्रेक्षी में आम कह अपूर्व, आप जानते श्रीमंदिर रोचे गोटे संवेदनशील प्रसंग। श्रीमंदिर खोलने को लेकिन बर्तमान अगस्ट 4 तारिख में एक भर्चुआल बैठक अच्छी। मुख्य प्रशासक किशन कुमार अध्यक्षतार यह भर्चुआल बैठक हम। बैठक में जिलापाल, एसपी, श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी एवं कोविड समन्वय कमिटीर विभिन्न सेवायत माने उपस्थित रहिबे। तो निश्चित भाव में कौन बैठक रूपरेखा आसिबो ताहा तो परवर्ती पर्यायर स्पष्ट होबे, किंतु पारिपार्श्विक स्थिति को अनुमान कले जहाँ जनापड़ी एवं कोविड कमिटी सेवायत जो मैंने रही कोविड समन्वय कमिटी से स्पष्ट मत हो श्रीमंदिर खोल जाऊ, कारण श्रीमंदिर सहित अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जड़ित, श्रीमंदिर सहित उठा दोकानी, छोट दोकानी जड़ित, श्रीमंदिर सहित विशेषकर सेवायत माने जड़ित, कारण सेवायत माने वर्तमान आर्थिक समस्यार सम्मुखीन हो, आर्थिक अनटन सम्मुखीन होती, जेहेतु यात्री आसुना, पर्यटक श्रद्धालु भक्त आसुना, सेवायत मैंने ना नार हईराण होती। किंतु कहीपर सीधासल कहीपर श्रीमंदिर खोलने सपक्ष समस्त रही, किंतु श्रीमंदिर जदि खोल कि खोल आप जानते पूर्वर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखे भक्त श्रद्धालु मैंने जो मैंने आसूले टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र देखुले ता बलवत्तर रहा। प्राथमिक पर्यायर वार्ड वारी दर्शन कर पूरी सहर बासिंदा को प्राथमिक पर्यायर गुरुत्व दिया, पूरी सहर बासिंदा मानक वार्ड वारी दर्शन कराइला, परवर्ती पर्यायर समस्त जिला बाहर भक्त श्रद्धालु पर्यटकों पर श्रीमंदिर खोलता। तो श्रीमंदिर किभली भाबरे खोलिब, श्रीमंदिर खोलिले कोविड गाइडलाइन को केते दूर अनुपालन करें सेवायत हूँ, श्रीमंदिर प्रशासन हूँ, ताहा उपरे समस्त नजर रही। आम आलोचना करें, आम सहित काशीनाथ कुटिया वरिष्ठ सेवायत जोड़ी, काशीनाथ कुटिया अपूर्व रंजन सीधासख आलोचना करें। श्रीमंदिर खोलिबा तो निहाती आवश्यक समस्त मत रोचे, किंतु अगस्ट 4 तारिख जो मीटिंग अच्छी किभली रूपरेखा आसो, पुनर्बार कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भक्त श्रद्धालु देखेबे ना पूरी शहर बासिंदी को अग्राधिकार दिया जिवो, तापर बाहर श्रद्धालु को छड़ा जिवो। जय जगन्नाथ। वर्तमान जगन्नाथ भक्त जो प्रकार दूरे रहउचंती ताकू केबळी भावरे सुरखुरी भक्त दर्शन करने से जो आमर आगामी 4 तारिख पर जो मीटिंग हम से आम आलोचना करूँ, किंतु आलोचना भितर सरकार जहाँ गाइडलाइन रे गाइडलाइन का आम पालन करूँ। पारिपार्श्विक स्थिति को अनुमान कले आपको कौन लगुच पूर्व भली कोविड टीका को देखे प्रमाणपत्र देखेबे, नेगेटिव रिपोर्ट देखेबे ना पूरा छड़ा जीव कोविड गाइडलाइन किंतु अनुपालन हम, कोविड गाइडलाइन हम, किंतु 2टा डोज जो मैंने नहीं थे किंबा 72 घंटा पूर्व से आर्टिसेबल टेस्ट करें से प्रथम छाड़वा व्यवस्था करते। आर्थिक अनटन स्वीकार है, कारण 2.5 मास मंदिर बंद पूर्व बंद थे, 2.5 मास बंद रही पूर्व सहित बर्तमान 2 वर्ष पर्यंत सेवायत मान आर्थिक जो प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती से प्राक्टिकाल जो मैंने चलुँच देखले जाने सरकार आमर जो जिला प्रशासन एवं आमर श्रीमंदिर प्रशासन विगत 3 मास तले 5,000 कर 10,000 टंका दे सी आराम रे सोई जाइछन, समुद्र को संख्या बड़ा से सोई जाइछन, ता द्वारा भगवान को आम डाकुचु, भगवान ही आम रक्षाकारी। टिके ताजा दृश्य आम दर्शक मानक देखा चाहिए, जेहेतु श्रीमंदिर बंद अच्छी आप देखुंत सिंहद्वार सम्मुख ब्यारिकेड रू भक्त श्रद्धालु मैंने पतित पावन को दर्शन करके मन बुझाऊँ, सानिध्य नौ आखिरे तो अनेक लुह आसूँ, कारण कोविड महामारी समय महाप्रभु को दर्शन कले निश्चित भाव गोटे आध्यात्मिक चेतना आसो, समस्ते कोरोना चिंतार मुक्त रे। ये सीधासल दृश्य आप देखुंत श्रीमंदिर सिंहद्वार बाहर, जेहेतु पूरापूरी ब्यारिकेड पड़ जाए, कि बड़ कथा हो भक्त श्रद्धालु एवं जहाँ सूचना आसी पहुँचुची आसंता 4 तारिख में गुरुत्वपूर्ण बैठक अच्छी। बैठक में निष्पत्ति नियाजिबो जे श्रीमंदिर खोलिबो ना खोलिबो नाही, जदि खोलिबो क्यों क्यों गाइडलाइन सहित श्रीमंदिर को खोल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष।